हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए बैकपैक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी पहली बात तो ये कलरफुल है और बैकपैक में हमने ये इस तरह के आज बक्कल दिए हैं, जिनसे अगर कोई बड़ा कोई इसको कैरी करना चाहे तो इसके बेल्ट जो है ये बढ़ाए जा सकते हैं। बच्चा अगर इसको कैरी कर रहा है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं और ये खींचने के बाद एकदम टाइट हो जाएगा। और वैसे तो ये मैंने ख़ास तौर पर मम्मी लोगों के लिए बनाया है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं और उनका सामान काफ़ी रखने में या ले जाने में दिक्कत होती है। कभी हम छोटे बैग का सहारा लेते हैं, कभी पन्नियों का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक बड़ी पॉकेट हमने दी है अच्छी खासी, और इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी दी है कि कोई भी सामान आसानी से खोल के रखा जा सकता है। बच्चों के साथ छोटी पॉकेट का जो बैग होते हैं या जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि अब बॉटल के हर बॉटल के हिसाब से तो हर बैग नहीं बन सकता। तो इससे अच्छा है कि इस तरह से स्पेस दे करके बैग बनाया जाए और अपने हिसाब से सामान को उसमें लगाया जा सके। तो जैसे उनके टॉवल है, उनकी गद्दियाँ हैं, उनके नैपी हैं, डायपर हैं, बॉटल है, फीडिंग बॉटल है, खाने का कुछ सामान है, ये सब रखने के लिए ख़ास तौर पे ये मम्मियों के लिए मैंने बनाया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लूप हम लोग छोटा लूप देते थे इसको मैंने थोड़ा बड़ा दिया है कि बच्चा बच्चे के साथ बैग को भी कैरी कर सके, तो इसमें हमारा हाथ आसानी से जा सके। बेल्ट भी उसी हिसाब से दी है कि अगर कोई बड़ा इसको यूज़ करना चाहता है तो इसको हम ढीला कर सकते हैं। ढीला करने के लिए इसको हमें थोड़ा इधर खींचना होगा और ये देखिए, ये बड़ों के हिसाब से पूरी बेल्ट आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे और अगर कोई बच्चा ले रहा है तो इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे, तो ये इस तरह से बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो और इसमें ये जो बक्कल मैंने लगाए हैं, ये बक्कल और ये बेल्ट वगैरह जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसको चेक कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैकपैक बनाने के लिए सामान चाहिए 5x10 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 10x11 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 5x21 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 5x18 का 1 पीस क्विल्टेड, 5x5 के 2 पीस क्विल्टेड, 21 इंच 1 जिप, 18 इंच 1 जिप, 2 रनर बेल्ट, 30 इंच 2, 13 इंच 1, 5 इंच 2 बकल, 2 पीस पाइपिंग। सबसे पहले हम 5x21 इंच का पीस और 5x18 इंच का 1 पीस लेंगे और 18 इंच की जिप लेंगे और 21 इंच की जिप लेंगे और दोनों को बीच में से कट करके पहले जिप लगा देंगे। ये हमारा 21 इंच का पीस है और इसमें हम जिप लगा देंगे। ये दोनों पीस तैयार करने के बाद वाली दोनों बेल्ट ले लेंगे। ये इसमें मैंने 5 इंच के जो 2 पीस बेल्ट लिखवाए थे उसमें मैंने इस बक्कल को सेट किया हुआ है। इस तरह से खुलने वाली बक्कल लगी है और पहले हम इसको तैयार कर लेंगे। सेंटर निकालेंगे 10 इंच एरिया से, ये हमारा 10 इंच का एरिया है, ये 11 इंच का है। ये सेंटर निकालने के बाद 13 इंच की बेल्ट लेंगे और इसको यहाँ पर बीच में सेंटर से 1 इंच का गैप देते हुए टोटल ये 2 इंच का स्पेस रहेगा बेल्ट का। सेंटर निकालेंगे
ये सेंटर और ये सेंटर मिलाते हुए सिल देंगे। इसको सिलने के बाद बक्कल वाला पीस लेंगे, इसको एक सिरा हम यहाँ लगाएंगे, दूसरी बेल्ट का लेंगे, ये सेपरेट है और इसको इसके बगल में लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये हमारी दोनों बक्कल इधर से आ गई। अब ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम यहाँ 1 इंच का गैप देते हुए इसको यहाँ लगाएंगे और दूसरा वाला यहाँ लगाएंगे। ये साइड में हमारी दोनों 1 इंच के गैप रहेंगे। ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। और अब इस बेल्ट को लगाने के बाद इसको जस्ट हाफ करेंगे, जहाँ से बेल्ट लगी है ये देखिए हमने हाफ कर दिया। और बहुत हल्का सा यहाँ पर इस बेल्ट से थोड़ा सा अलग हटते हुए यहाँ से राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा शेप हल्का सा इस तरह से बैंड हो गया। अब इसके बाद हम 8x10 इंच का पीस लेंगे और ये जो 18 इंच की हमने जिप लगा के जो बेल्ट तैयार की थी इसको लेंगे, 8 इंच की तरफ से यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर पहले निकाल लेंगे और इसको भी यहाँ पर हम हल्का सा दोनों को फोल्ड करते हुए एक साथ हल्का सा राउंड शेप में कट कर देंगे। अब कट करने के बाद ये जो हमारी बेल्ट है जिप वाली इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर आ गया, दोनों साइड से सेंटर हमें चाहिए होगा, इसका सेंटर यहाँ आ गया, ये हमारा सेंटर है। ये ध्यान में रखना होगा ये सेंटर और ये सेंटर मिलाते हुए अब हमें इसको पहले सिल देना है इस तरह से। और इसको यहाँ तक हम पूरा सिल के ले जाएंगे जहाँ तक ये जाएगा, तो हमको पहले सेंटर से शुरुआत करनी होगी। ये हमारा पीस यहाँ तक आया है, यहाँ डबल सिलाई छोड़ दे करके हमने इसको छोड़ दिया। ये हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखा है क्योंकि हमें यहाँ नीचे पट्टी लगानी होगी। सेम इसी तरह इसको यहाँ ला करके छोड़ देंगे। अब ये हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। अब हमारे पास 5x5 के जो कुंचित पीस थे उनको लेंगे और ये जो हमने छोड़ा है इसके साथ इसको यहाँ मिलाते हुए पहले अटैच कर देंगे। और ये जो हमने अभी पट्टी यहाँ पे इसको जोड़ी तो ये जो सिलाई आई है इस पर अब हम 5 इंच चढ़ा देंगे। इसको अब यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसी तरह इधर भी करेंगे। और ये इस तरह से तैयार हो गया। अब ये जो सिलाई हम आपको दिखाई दे रही है इस पर अब हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब हम 21 इंच वाला पीस लेंगे और 10x11 इंच का दूसरा पीस लेंगे। और ये जो हमने बेल्ट वाला पीस तैयार किया था तो पहले इसको हम यहाँ पर नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने 10x11 इंच के जो पीस क्विल्ट किए हैं तो बैक साइड में हमने यहाँ पर बर्फी काटी हुई है और ये जो आगे का है इसमें हमने लाइनिंग की है। लाइनिंग इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर हमें डिज़ाइन दिखाई नहीं देगी, हमें इसको इसके ऊपर लगाना है तो डिज़ाइन हमारी छिप जाएगी, सारा कवर इससे हमारा तैयार होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको प्लेन किया है और इसको इसके ऊपर रखते हुए बराबर से ये जो हमने यहाँ कर्व काटा था इसको भी हम इसके बराबर कट कर लेंगे।
एकदम बराबर से रखेंगे और ये जो साइड में है इसको कट कर देंगे। और अब इसको हम हटा देते हैं और इसमें पहले ये पॉकेट लगाएंगे, सॉरी ये जिप लगाएंगे, इसका सेंटर निकालेंगे इसका सेंटर निकालेंगे सारी तैयारी कर लेते हैं। पहले ये सेंटर निकालने के बाद, ये कट करने के बाद अब पहले हम इसको लेंगे, ठीक है। अब हमारी तैयारी हो गई है, अब इसको हम अंदर करते हुए, ये जो हमने पाइपिंग का हिस्सा लगाया है इसमें, अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हमारा सेंटर है और इसका ये सेंटर है। अब इस सेंटर से इस सेंटर को मिला के यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बॉटम हमें मिला देना है। और ये जो पाइपिंग हमारी लगी है इसका शेप यहाँ पर ले लेना है, ये हमारा शेप आ गया। और इसका ये ऊपर का सेंटर लेंगे, इसको अंदर की तरफ दबाते हुए पूरा इसमें सिल देंगे। तो पहले हम सेंटर से सिलेंगे, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं, ये सेंटर आ रहा है, ये सेंटर हमारा मिलना चाहिए, एक सेंटर ये है एक सेंटर ये है। हम क्या करेंगे, पहले इस सेंटर को यहाँ पर दोनों को मिलाकर पिन लगा देंगे और इस सेंटर को यहाँ पर, ये जो कपड़ा है इसको यहाँ पर मोड़ते हुए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी पर ये पूरी पट्टी लगा देनी है। बाद ये हमने अभी इस तरह से जोड़ा है और ये पुनः भी लगी रहने देंगे। इसको यहाँ पर हम, ये जो पॉकेट है, ये जो सिलाई आई है और ये जो पाइपिंग है, इन दोनों को मिलाते हुए ये इस तरह से प्लेट डालते हुए यहाँ से बंद कर देंगे और सिलाई बीच में जब आएगी तो पिन निकाल देंगे। ये हमारी एक पॉकेट कंप्लीट हो गई। अब इसमें ये जो हमारा बॉर्डर था इसको जोड़ेंगे सेम प्रोसीजर में, सीधा दोनों बाहर रहेगा, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और जैसे इसको बनाया था सेम इसी तरह से इसको तैयार करेंगे। हमने 5x21 इंच का पीस दो लिखवाया था, अब इसको हम इसका भी सेंटर निकालेंगे, ये जो दूसरा 21 इंच का पीस है और इसको हम, ये जो नीचे वाला सेंटर है हमारा ये दिखाई दे रहा है और इस सेंटर के साथ रख के इसको पहले, अब हम इधर से आएंगे, इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। इसका एक तरीका ये है कि अगर सेंटर से नहीं जोड़ना है
पट्टी काफ़ी लंबी लग रही है, हम इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो जिससे हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हमको एक पीस में मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटे कट नहीं लगेंगे। तो हम इसको यहाँ अब ये जो हमने पीस जोड़ा है इसको यहाँ से पूरा कंटिन्यू करते हुए आएंगे, ये बॉटम में जाएंगे, तो बॉटम से सेंटर पकड़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इधर से आएंगे और फिर यहाँ पे ला करके ये जो हमारा हिस्सा है इसमें जोड़ देंगे। ये जो बढ़ा हुआ पीस है ये हमको मिल जाएगा। इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ये हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था। ग्रीन वाले पीस को प्रिंटेड तक ले जाएंगे, इस तरह से यहाँ पिन लगाएंगे। और इसके बराबर लाते हुए यहाँ पर ये इतना पीस हमारा बढ़ रहा है, अब इतना पीस हम कट कर देंगे और अब इसको मिलाकर हम यहाँ पर सिल देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी, यहाँ कवर करके पूरा सिल दिया दोनों साइड में। और ये हमारी एक पॉकेट हो गई, अभी ये जिप लग गई, अभी हमारा ये साइड पूरा पाइपिंग चढ़ाना बाकी है। तो पाइपिंग चढ़ाने से पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम का जो कॉर्नर है, ये सामने वाली जो पॉकेट का ये जो कॉर्नर है 10 इंच वाला जहाँ पर सिलाई दिखाई दे रही है, अब इस कॉर्नर को पकड़ के पहले हम इसको सीधा रखते हुए दूसरे सिरे का भी हम कॉर्नर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें बैक साइड का बेल्ट वाला पीस जोड़ना है तो उसके लिए हमें कॉर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये सीधा आएगा, ये लाइन हमारी बराबर आ जाएगी, तो इसका मतलब कॉर्नर निकल आया। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, तो ये सिलाई करते समय हमें मदद करेंगे कॉर्नर हमारे जो बॉटम का हिस्सा होगा। और अब इसमें हम पाइपिंग चढ़ा देते हैं। ये देखिए आगे से इसकी लुकिंग ऐसी आएगी और नीट एंड क्लीन काम है। पॉकेट भी काफ़ी हमने बड़ी दी है, इसकी जो गहराई है वो 5 इंच है, सामान रखने पर ये और भी स्पेस दे सकता है आपको। और एक पॉकेट हमने यहाँ दी है, इसकी भी चौड़ाई यहाँ पर हमने सेम इसकी जितनी चौड़ाई है इतनी, तो टोटल आपको 10 इंच का इसमें अंदर पूरा स्पेस मिलेगा। 5 इंच यहाँ मिलेगा, 5 इंच इसमें मिलेगा। और ये जो बैग है ये बच्चे से लेकर के और सफ़र में ख़ास तौर पे ये बैग मैंने तो ऐसे ख़ास तौर पे मम्मियों के लिए बनाया है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका अपना सामान है, बच्चों का डायपर है, थोड़े नैपी है, कपड़े हैं, टॉवल हैं, या उनके लिए बॉटल वगैरह है, उनको फीडिंग बॉटल वगैरह है। तो सिंपल अंदर बजाय ढेर सारी पॉकेट देने के उसको इस तरह से खुला रखिए कि कहीं भी एडजस्ट करके सामान इसमें भरा जा सके और उसको लेकर के हम कैरी कर सकें। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 13 इंच की बेल्ट दी है ताकि मम्मी लोग इसको इस तरह से भी कैरी कर लें बच्चे के साथ। और ये भी बेल्ट दी है, इसको अगर बच्चा कैरी कर रहा है, बच्चा बड़ा है 5-6 साल का है, तो इसको यहाँ से हम इसको ढीला कसा कर सकते हैं। ये हमने इतनी बड़ी बेल्ट कर दी तो इसको मम्मी लोग भी ले सकती हैं, पापा भैया लोग भी ले सकते हैं, चाचा लोग भी ले सकते हैं, बच्चा है तो इसको छोटा कर दिया तो ये खींचेगा नहीं, ये यहाँ पर लॉक हो गया। तो इस तरह के ये बक्कल मार्केट में आते हैं जो स्कूल बैग वगैरह में लगते हैं। तो ये था आज का हमारा बैकपैक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।